यार काफी हल्ला है कि रिएक्ट इकोसिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स आ रहे हैं और नेक्स्ट जेएस की तरफ बहुत रुझान है, रिमिक्स की तरफ बहुत रुझान है। इन फ्रेमवर्क्स का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया है कि रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अब बोला जाता है कि या तो आप नेक्स्ट जेएस यूज कीजिए या रिमिक्स यूज कीजिए या गैट्सबी यूज कीजिए प्रोजेक्ट के लिए। तो हम सबको समझना जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। देखो हम समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट की जर्नी कहां से शुरू हुई। एक तो कोई भी वेब ऐप होता है ना, कोई भी वेब पेज होता है, उसमें एक बड़ी साधारण चीज होती है, उसको कहते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट का सबसे सिंपल एग्जांपल होता है शादी का कार्ड। कभी आपके घर में शादी हुई है तो शादी का कार्ड आता है, कार्ड में क्या लिखा रहता है, श्रीमान श्रीमती सुश्री ये वो पता नीचे लिखा रहता है, और आप बस क्या भरते हो, आप लिखते हो उनका पता। कोई भी फॉर्म आप भरते हो तो उसमें पहले से जगह दिया रहता है, वो क्या होता है, वो एक टेम्पलेट है कि भाई इंफॉर्मेशन को ऐसे दिखाइए क्योंकि लोग ऐसे पढ़ना चाहेंगे। इसी चीज को जब हम वेब के तरह से देखते हैं तो हम कोई भी एक वेबसाइट खोलकर देखते हैं, तो अगर हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को देखते हैं एक सेकंड के लिए, तो ये जो आपका पूरा है ये क्या है, ये एक टेम्पलेट ही तो है। आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है ये बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ रिपीट हो रही है, यहाँ रिपीट हो रही है। कैसे आपको दिख रहा है, देखो ये जो है फोन का नाम है ये सब जगह एक जैसा है, यहाँ पर भी है, फिर ये इसकी रेटिंग है ना, फिर ये इसका प्राइस है, ये आपको हर जगह दिखेगा अलग अलग प्राइस। फिर आपको दिखता है ये फ़ोन का इमेज है, ये देखो फ़ोन के डिटेल्स हैं, ये भी ऐसे एक जैसे बने हुए हैं कि लिस्ट्स में ही आएंगे डिटेल्स, है ना, लिस्ट में डिटेल्स आ रहे हैं ये देखो। तो ये सब क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ये भी दिख रहा है आपको कि यहाँ पे स्ट्रिंग है। ये जो पैसे वाले चीज़ हैं ये एक इंटीजर है, क्यों आपको पता है ये क्यों इंटीजर है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर हम इस जगह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो प्राइसिंग है ये इंटीजर की प्राइसिंग है, तभी तो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये इंटीजर वैल्यू होगी। ये जो है ये एक इमेज है ना, हमें पता है ये चीज़, ये कितना रेटिंग है, ये जो रेटिंग है आपका ये वाला पीस ये एक इंटीजर है। फिर बताता हूँ क्यों इंटीजर है, क्योंकि देखो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आप वेबसाइट को तोड़ कर देखना सीखोगे तो आप समझोगे कि यार तुमको कुछ है ही नहीं भाई साहब। अगर मैं एक कार्ड, देख रहे हो तुम एक चीज, कि अगर मैं एक कार्ड अच्छे से डिजाइन कर दूं, एक ये वाला कार्ड मैंने अच्छे से डिजाइन कर दिया और मुझे इसको रिपीट पे चलाने आ गया, तो मुझे और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज को थोड़ा अलग से कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक कार्ड है, उसमें एक इमेज है, कुछ टेक्स्ट है बड़ा सा जो नाम है उसका, कुछ रेटिंग है, कुछ और टेक्स्ट है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे टेक्स्ट लाइंस हैं, एक प्राइस है ना। तो ये देखो ये एक टेम्पलेट है, और यही टेम्पलेट देखोगे तुम कि रिपीट होता है, तो भाई मल्टीपल टाइम्स बन जाता है ये चीज। रिपीट कैसे होता है, कोई चीज फॉर लूप से हो जाता होगा, बेसिकली किसी भी तरह के लूप से हो जाएगा, इसको आप मैप बोलो जावास्क्रिप्ट में कुछ भी करो बट रिपीट हो जाएगा। और मजेदार चीज देखो, अभी बड़ा मजेदार चीज देखना, एक बार और खोल कर दिखाता हूं तुम्हें वेबसाइट। हम लोग जाएंगे वापस से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, देखो इस चीज को हम तुम्हें दिखाते हैं फिर से एक बार कि कैसे टेम्पलेट काम कर रहा है। हमने पोको देखा था, चलो पोको की जगह अब हम लोग कुछ और देखते हैं, टीवी एंड अप्लायंसेस में जाते हैं। तो देखो मी का टीवी देख रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, इसमें भी देखो सेम चीज है, दिख रही तुम्हें ये है, इसमें यहां इमेज है सेम टू सेम, यहां नाम है, यहां रेटिंग है, यहां डिटेल्स है, यहां प्राइस है, दिख रहा है एकदम सेम चीज। ये देखो फ्लिपकार्ट अश्योर्ड, दिख रहा है आपको। तो एक बार जो मैंने टेम्पलेट बनाया, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बार जो हम टेम्पलेट बनाते हैं तो हम उसको हर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे यूज कर रहे हैं और हर प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। और अगर यही चीज तुम जाकर प्रोडक्ट पेज पे देखोगे तो सारे प्रोडक्ट पेज फ्लिपकार्ट के एक जैसे होंगे। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि टेम्पलेट्स का ही गेम है सारा का सारा, और सारा का सारा गेम क्या है, तो जब टेम्पलेट्स पहले यूज होते थे ना तो ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स यूज होते थे जिसमें आप बीच में डेटा डाल देते थे। अब ये डेटा कहाँ रहता है, हमने इसके बारे में पहले बात भी की एक बार और, कि डेटा रहता है डेटा बेस में, है ना। डेटाबेस में डेटा कैसा रहता है, डेटाबेस में डेटा ऐसा रहता है कि एक लंबा सा बड़ा सा टेबल होगा और उसमें लिखा रहेगा कि भैया ये जो फोन है पोको, इसका रेटिंग है 4.1, इसका इमेज का URL है ये, इसका डिटेल्स है ये, इसका फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है, इसका प्राइस है 5999, ऐसा लिखा रहेगा।
और ऐसे ही भर भर के ऐसे ही सब जगह और डिटेल्स रहेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है कि डेटाबेस में इस तरह से टेबल में डेटा रहता है। और करता क्या है, एक इंजन होता है, जो इंजन ये करता है कि इस डेटा को उठा के इस टेम्पलेट में डाल देता है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि देखो इमेज वाले को यहाँ डाल दो, ठीक है, डिटेल्स को यहाँ डाल दो, फ्लिपकार्ट अश्योर्ड को यहाँ डाल दो, प्राइस को यहाँ डाल दो, और जो नाम है उसको यहाँ डाल दो। यही होता है, यही है, टेम्पलेट में डेटा डाला जाता है। ये आप समझ रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्ट्री समझाता हूँ इस चीज की, टेम्पलेट में डेटा डालने। पहले क्या होता था कि आपके जो ये जो टेम्पलेट है और ये जो डेटा है, ये पहले के जमाने में 10 साल पहले 5 साल पहले के जमाने में ये डेटा डीबी में रहता था और ये टेम्पलेट सर्वर पे रहता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वर और ये हो गया आपका डेटा बेस, और ये पूरा का पूरा काम सर्वर पर होता था, सर्वर साइड कहते थे इसको, सर्वर साइड मतलब पूरा का पूरा काम सर्वर पे होता है। और यहां पर इन दोनों को मिलाकर, टेम्पलेट और डेटा को मिलाकर, एक एचटीएमएल पेज बनता था, एचटीएमएल पेज बनता था। यही काम रूबी करता था, जैंगो करता था, पीएचपी करता था। तो पीएचपी, रूबी, जैंगो, ये लोग क्या करते थे, ये लोग बोलते थे कि मुझे एक टेम्पलेट दो और मुझे एक डीबी दो, तो मैं दोनों को मिलाकर तुम्हें एक एचटीएमएल पेज दूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस तरह से ये कह रहे थे कि टेम्पलेट और डीबी दो तो मैं तुम्हें पेज दूंगा। और ये पेज कहाँ आता था, ये पेज आता था क्लाइंट के पास। ये आपका क्लाइंट है तो इस पर यह पेज दिखता था। ये आपको समझ में आया, ये थी पहले की कहानी। फिर बीच में क्या हुआ, फिर कुछ साल पहले क्या हुआ, जो हमने बात की है, कुछ साल पहले क्या हुआ, आपका ये गेम थोड़ा चेंज हो गया। अब सर्वर पे, सर्वर साइड पर टेम्पलेट नहीं रहता, टेम्पलेट नहीं रहता, डेटा रहता है, ठीक है, डेटा रहता है। तो टेम्पलेट कहाँ आता है, टेम्पलेट को क्लाइंट के तरफ भेजा जाता है। तो क्लाइंट ये है, क्लाइंट साइड, और टेम्पलेट यहाँ आ गया। कैसे आ गया टेम्पलेट, जावा स्क्रिप्ट में। तो जो हम पहले रूबी में देख रहे थे, जो हम पहले जैंगो में देख रहे थे, जो हम पहले पीएचपी में देख रहे थे, उसके जगह जावा स्क्रिप्ट का टेम्पलेट यहां लेकर आ गया। कौन लेकर आ गया इस टेम्पलेट को यहां पर, रिएक्ट। और कौन लेकर आ गया, व्यू। और कौन लेकर आ गया, एंगुलर। इन लोगों ने बोला कि भैया देखो, हम जावा स्क्रिप्ट में पूरा पेज बना देंगे, ठीक है। एक बार के लिए पीछे चलते हैं फिर से, जब यहां होता था तो पेज में इंटरैक्टिविटी होती थी। ऐसा तो नहीं था कि पहले के एचटीएमएल पेज में जावास्क्रिप्ट नहीं रहता था, जावास्क्रिप्ट रहता था, पहले भी क्लाइंट साइड होता था जावास्क्रिप्ट, बट कम होता था। तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट ऐसा होता था कि तुमने फॉर्म भरा तो सबमिट करने के पहले चेक कर रहे कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड्स डाले हैं कि नहीं, सही से डाला है कि नहीं, छोटा मोटा शो हाइड भी करते थे। कैसे करते थे, जेक्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो जेक्वेरी क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट चलाता था, लेकिन फुल फ्लेज्ड एप्स नहीं। पेज तभी भी HTML सर्वर से बनकर आता था, और क्योंकि सर्वर से बनकर आता था इसीलिए आपको बीच में वो ब्लैंक वाइट कैनवस मिलता था। लेकिन जब SPA आया, SPA क्या है, हमने कई बार बात की है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। जब SPA आया तो पूरा का पूरा पेज क्लाइंट साइड बनने लगा। क्लाइंट साइड का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है कि आपके फोन पे, आपके टैब पे, आपके लैपटॉप पर आकर जो है पूरा का पूरा टेम्पलेट में डेटा डाला जा रहा है। टेम्पलेट में डेटा डालना हम समझ चुके थे, लेकिन पहले जो सर्वर पे होता था वो क्लाइंट पे होने लगा। और क्लाइंट पे भी सेम चीज था, जेएसएक्स के टेम्पलेट ऐसे होते हैं, और इनमें डेटा कहां से आता है, सर्वर से आता है थ्रू API, ठीक है। तो सर्वर, ये सर्वर के पास एक सर्वर रहता है, एक डीबी रहता है, अगेन हमने इसके बारे में पहले बात की है, और API के थ्रू डेटा आता है। तो क्या होता है, आपका पेज पहले लोड होता है, खाली रहता है, फिर सर्वर से डेटा आता है, यानी API से डेटा आता है, फिर ये पेज बनता है और आप इससे इंटरैक्ट करते हो। तो पूरा का पूरा पेज क्लाइंट साइड बन रहा है, रिएक्ट पे बन रहा है, सर्वर पे नहीं बन रहा है। ये तक आपको समझ में आ गया। इसके प्रॉब्लम्स क्या थे, इसके इश्यूज क्या थे, इसके इश्यूज ये हुए कि SEO नहीं हो पाता, क्योंकि पेज सर्वर पे बन ही नहीं रहा है तो SEO मुश्किल हो जाता है। इसके इश्यूज क्या थे कि टाइम ज्यादा लगता है, टाइम टू इंटरैक्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि पेज जब
सर्वर से बन के आता था तो जल्दी बनता था। अभी क्लाइंट पे पहले जावास्क्रिप्ट आता है, क्या होता है पहले क्लाइंट पे जावास्क्रिप्ट आता है, पहले डाउनलोड होता है, फिर कंपाइल होता है। जब कंपाइल हो जाता है तो वो बोलता है ओ मैं कंपाइल हो गया, अब मैं एपीआई कॉल करूंगा। एपीआई कॉल्स करते हैं, फिर एपीआई को भी अपना टाइम लगता है भाई डेटा लाने में, तो फिर डेटा आता है। फिर जब एपीआई से डेटा आ जाता है और जावास्क्रिप्ट मिलके फिर वो पेज बनाता है, फिर इंटरएक्टिविटी शुरू होती है। पहले टाइम बढ़ गया ना आपका, एक तो आपको ज्यादा कोड, ये भी आप समझो कि इस पूरे सिनेरियो में ज्यादा कोड आपको क्लाइंट साइड डाउनलोड करना पड़ रहा है। पहले तो एक एचटीएमएल पेज आता था छोटू सा बढ़िया सा प्यारा सा, अब आपको इतना सारा जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करना पड़ता है, रिएक्ट भी डाउनलोड करना पड़ता है, उसके साथ 10-20-50 हज़ार लाइब्रेरीज भी डाउनलोड करनी पड़ती है। तो टाइम टू इंटरएक्टिविटी जिसको टीटीआई कहते हैं वो काफी बढ़ गया। देखो कितनी आसानी से आप 4-5-10 कॉन्सेप्ट समझ भी गए हो। 2-3 बार इस वीडियो को देखना, जब आप 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे और इसके बारे में बात करोगे, किसी और को ऐसे समझाने की कोशिश करोगे, तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब इतनी बार देख ही रहे हो तो एक कमेंट करते जाना, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाना आराम से। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इश्यूज है ना, इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए Next.js उतरा मैदान में। उसने क्या बोला, कैन वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कैन वी हैव ऑन द क्लाइंट साइड Can we have the full SPA experience? मतलब React ही पूरा का पूरा पेज को कंट्रोल करे, ठीक है? अगर React पूरा पेज कंट्रोल करेगा तभी आप SPA का एक्सपीरियंस दे पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हम सर्वर और DB से सर्वर साइड ही पहला पेज बना के दे सकते हैं क्या? क्या पेज बना कर दे सकते हैं? तो React बोला हाँ, हमने तो बनाया ही ऐसा गया था कि हम सर्वर पे ही HTML बना सकते। React में ये फंक्शनैलिटी बहुत पहले से है। रेंडर टू HTML, रेंडर टू स्ट्रिंग आप कर सकते हो बहुत आराम से। तो Next.js बोलता है ठीक है, उसको सेटअप करना बहुत भारी पड़ता था बाकी लोग के लिए, हम आसानी से कर देते हैं। तो ये चीज जो होती है इसी को आप कहते हो SSR, यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग। एक बार क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं कि सर्वर साइड रेंडरिंग का क्या मतलब हुआ। सिंपल मतलब ये हुआ कि जो हम पहले करते थे, जो हम यहां पर कर रहे थे, सर्वर और डेटाबेस एक HTML पेज बना के देता था और फिर इंटरैक्टिविटी होती थी jQuery से, उसके जगह बस इतना चेंज हुआ कि सेम टू सेम चीजें हो रही हैं, बस इंटरैक्टिविटी यहां रिएक्ट से हो रही है क्लाइंट साइड पे। इससे क्या फायदा हुआ, जो ये आपकी टाइम टू इंटरैक्टिविटी थी, ये जो बहुत बढ़ गई थी, वो नहीं करना पड़ता अब, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा HTML बना हुआ आता है, तो आपको पेज ये वाला स्टेप डायरेक्ट पहुंच जाते हो आप। तो ये जो पूरा का पूरा गेम था ये कम हो गया और उसके बाद आपका रिएक्ट टेक ओवर कर लेता है। इसी को कहते हैं सर्वर साइड रेंडर्ड पेज इन द सेंस ऑफ Next.js, क्योंकि पहले के भी जो पेजेस थे ये भी सर्वर साइड रेंडर्ड ही थे, लेकिन SSR जब हम React के सेंस में बात करते हैं, जब Next.js के सेंस में बात करते हैं, तो वो ये होता है। तो यार बहुत लंबा वीडियो हो गया बस ये समझाने में कि सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, टेम्पलेट क्या होता है। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब एक पार्ट टू वीडियो में ये समझाना पड़ेगा कि सर्वर साइड जनरेशन क्या होता है और सर्वर साइड रेंडरिंग से कैसे अलग होता है, और फिर Next.js और Gatsby में क्या फर्क है। तो वो वीडियो भी लेकर जल्द आ रहे हैं, ऐसे ही प्यार प्यार से समझाएंगे। अगर आपको मजा आया है तो प्लीज कमेंट में खूब सारा प्यार लिख के जाना।